लगते हैं खुद ही और खुद ही बनते हैं दवा हो है जहर कभी अमृत है कभी न जाने तोरे नैना है क्या तोरे नैना रसियाने तोरे नैना है क्या तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटील हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना कटीले हाय राम तोरे नैना बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए बदल गया रंग महफिल का जब तुम महफिल में आए रंग उड़ा है फूलों का दिल क्षमा का बैठा जाए रंग उड़ा है फूलों का इन नजरों के आगे कोई 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 कैसे नजर उठाए हाँ कैसे नजर उठाए हाय राम कैसे नजर उठाए ओ तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना कटीले कटीले हाय राम तोरे नैना झूम रही है नागन जुल्फे मुख पर हलके हलके झूम रही है नागन जुल्फे मुख पर हलके हलके सर पे हाचल मुख पर हलके हलके झूम रही है नागन जुल्फे मुख पर हलके हलके सर पे हाचल हलका जाए सर पे हाचल हलका जाए बैठो जरा संभल सर पे हाचल हलका जाए ना जाने क्या कर बैठे दिल जाने क्या कर बैठे दिल ना जाने क्या कर बैठे दिल ना जाने क्या कर बैठे दिल मेरा आज मचल के दिल मेरा आज मचल के हाय दिल मेरा आज मचल के ओ जाने क्या कर बैठे दिल मेरा आज मचल के दिल मेरा आज मचल के हाय दिल मेरा आज मचल के ओ तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना रसीले कटीले हाय राम तोरे नैना झूम उठे
बन जाना भी है एक अदा निराली, यूं मुंह फेर के तन जाना भी है, यूं मुंह फेर के तन जाना भी है एक अदा निराली, यूं मुंह फेर के तन जाना भी है एक अदा निराली। और धिदंग ले आई मुख पे ये गुस्से की लाली, और धिदंग ले आई इस लाली पे मैंने तो, इस लाली पे मैंने तो लाली पे मैंने तो इस लाली पे मैंने तो इस लाली पे मैंने तो दुनिया कुर्बान कर डाली, दुनिया कुर्बान कर डाली, हाय दुनिया कुर्बान कर डाली। ओ आंखें फोड़ती है अगली। कौन हो तुम, कहां से आई हो? इन्हें कुछ मत कहो गोपाल, मुझे यहां से भेजिए। चलो गोपाल, लड़की जी तुम वक्त का हाथ खाया थोड़ा। लेकिन यकायक हो कैसे गई पता नहीं, शायद इसे कुछ गलत फहमी हो। वाह, ये अच्छी गलत फहमी, घर से डांटा लगा दिया। पता नहीं, शायद इसे कुछ गलत फहमी हो। वाह, ये अच्छी गलत फहमी, घर से डांटा लगा दिया। वो बेचारी क्या जाने कि बड़ी बड़ी आंखें सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं देखती। मगर तुमने तो गाना छोड़ रखा था, फिर आज प्रोग्राम करने की क्या जरूरत थी? बस ये बहना दी, यूं क्यों नहीं कहते कि मेरा होटल चलाने के लिए? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं सब समझता हूँ कि गाने में तुम्हें आना देती। यूं क्यों नहीं कहते कि मेरा होटल चलाने के लिए? तुम मुझे बेवकूफ समझते हो, लेकिन मैं सब समझता हूँ कि गाने में तुम्हें हमेशा दुख है। तुम्हारी आंखें भी गाने की वजह से चली गई। किस्मत की बात है गोपाल, संगीत किसी को रोशनी देता और किसी को नहीं। आज से मैं तुम्हें होटल में नहीं गाने दूंगा, अब तो शायद मैं कभी नहीं गाऊंगा। नहीं नहीं, तुम गाओ जरूर। तुम्हारी
तस्वीर बनाई है। नहीं देखी। चलो चलो, हमने खून पसीना एक करते और तुम तस्वीर ही नहीं देखना चाहते हो। ये देखो दीदी, ये तुम्हारी। अरे दीदी यह साहब, मैंने तुम्हारी तस्वीर बनाई है। नहीं देखी। चलो चलो, हमने खून पसीना एक करते और तुम तस्वीर ही नहीं देखना चाहते हो। ये देखो दीदी, ये तुम्हारे मानसिक चित्र है। नाजुक सी दीदी और अपने सर पर सारी दुनिया के बोझ लादे फिरती है। क्या बात है दीदी? अरे आदमी तो बहुत बड़ी गलती है। मानसिक चित्र है। नाजुक सी दीदी और अपने सर पर सारी दुनिया के बोझ लादे फिरती है। क्या बात है दीदी? अरे आदमी तो बहुत बड़ी गलती है। एक आदमी को कैसे मार दिया? आह बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे जूता मारती। छेड़ा होगा हमारी दीदी को। बात नहीं है माला, वो बेचारा एक अंधा सही एक आदमी को कैसे मार दिया। आह बहुत अच्छा किया। मैं तुम्हारी जगह होती तो उसे जूता मारती। छेड़ा होगा हमारी दीदी को। बात नहीं है माला, वो बेचारा एक अंधा सही कर दिया। हाय दीदी, तुमने बहुत बुरा किया। एक कलाकार के मुंह पर थप्पड़ मारा। अरे खाने का वक्त हो जाते, एक साथ बुला रहे। चलो, मुझे भूख नहीं माला। दीदी जाके, मुझे भूख नहीं। दीदी दीदी, तुम तो राय का पर्वत बना देती हो। जरा सा खाना खा लेती तो क्या होता? कह दिए ना कि मुझे भूख नहीं। दीदी तुम तो राय का पर्वत बना देती हो। जरा सा खाना खा लेती तो क्या होता? कह दिए ना कि मुझे भूख नहीं। दीदी ये चूड़ियां तो फेंक रही हो। दीदी तुम तो सचमुच दुखी मालूम होती हो। हाँ माल, मेरी भूल मेरा दुख बन गई। और जब तक मैं उस कलाकार से माफी नहीं मांग लूंगी, तुम तो सचमुच दुखी मालूम होती हो। हाँ माल, मेरी भूल मेरा दुख बन गई। और जब तक मैं उस कलाकार से माफी नहीं मांग लूंगी, मुझे शांति नहीं आएगी। अरे तो फिर रोने की क्या बात है? पर जाकर माफी मांग रहे। अरे मगर मुझे वहां जाते में डर लगता है ना। वो होटल का मालिक मुझे फिर डांट देगा। चल है डरपोक कहीं की। अच्छा सुन, मैं कल जाकर तुझे मिलवा दूंगी। हूँ अब तक खाना खाएगी? हथौड़ी लाओ। हथौड़ी? कहा तो तुमसे 10 बार हथौड़ी लाओ। अभी अभी मतलब है अगर मेरे होटल में। आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मैं सेठ हरिदास और पाले की बेटी हूँ। चाहूँ तो ऐसे 10 होटल खरीद सकती हूँ। तो इसलिए खरीद लीजिए, मैं आपके पास नौकरी करूँ।
कौन बजा रहा है? अशोक बाबू बहुत ही अच्छा गाते, लेकिन अंतिम कल एक बदतमीज लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तब से उन्होंने गाना नहीं गाने का निश्चय कर लिया। कौन बजा रहा है? अशोक बाबू बहुत ही अच्छा गाते, लेकिन अंतिम कल एक बदतमीज लड़की ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, तब से उन्होंने गाना नहीं गाने का निश्चय कर लिया। इतने बड़े कलाकार को थप्पड़ मारा? अजी वो तो अशोक के लिए मैंने उसे छोड़ दिया, वरना मैं तो आसावरी बज रही। आसावरी है तो बैरी होगी। हाँ। आप भी गाना गाती हैं? मैं आर्टिस्ट हूँ, चित्र बनाती हूँ। अभी नहीं, कल सवेरे सूरज निकलने से पहले उस पहाड़ी पर आ जाना। सूरज निकलने से पहले? मैं आर्टिस्ट हूँ, चित्र बनाती हूँ। अभी नहीं, कल सवेरे सूरज निकलने से पहले उस पहाड़ी पर आ जाना। सूरज निकलने से पहले? और सुनो, अशोक बाबू को भी लेके आना। अशोक की क्या जरूरत है? क्या तस्वीर अकेले में नहीं निकल सकती? जी पहले और सुनो, अशोक बाबू को भी लेके आना। अशोक की क्या जरूरत है? क्या तस्वीर अकेले में नहीं निकल सकती? जी नहीं, अशोक बाबू नहीं आएंगे, हम तस्वीर नहीं बनाएंगे। अच्छा अच्छा, मैं जरूर ले आऊंगा। जरूर ले आऊंगा। सर्दी काटी? हाँ, कुछ कोहरा सा नजर आता है। सूरज नहीं निकला अभी, उसी का तो इंतजार है। ये आज तुम सुबह ही सुबह ठंडी आई क्यों भर रहे हो? कुछ सर्दी काटी? हाँ, कुछ कोहरा सा नजर आता है। सूरज नहीं निकला अभी, उसी का तो इंतजार है। ये आज तुम सुबह ही सुबह ठंडी आई क्यों भर रहे हो? कुछ नहीं कुछ नहीं। वो देखो, वो रहे अशोक बाबू। जरा संभल के गोपाल, आया आया, अभी आता हूँ। गोपाल, आया आया, अभी आता हूँ। नमस्ते गोपाल बाबू। नमस्ते, कौन है? श्रीमती ओ कुमारी माला देवी, इन्होंने मुझे तस्वीर बनाने के लिए बुलाया है। नमस्ते। नमस्ते। चलिए गोपाल बाबू, बहुत देर हो गई, देखिए ना सूरज निकल आया है। चलिए अशोक भैया, तुम जरा यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। बनाने के लिए बुलाया है। नमस्ते। नमस्ते। चलिए गोपाल बाबू, बहुत देर हो गई, देखिए ना सूरज निकल आया है। चलिए अशोक भैया, तुम जरा यहाँ बैठ जाओ, मैं अभी आता हूँ। जरा जल्दी आना गोपाल। हाँ जल्दी आऊंगा। जरा जल्दी आना गोपाल। हाँ जल्दी आऊंगा। अकेली क्यों चली आई? अब क्या दिखाई नहीं देता? जी नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता, मैं अंधी हूँ। ओह, तो फिर तुम यहाँ अकेली क्यों चली आई? अपनी बहन के साथ आई थी, वो ना जाने कहाँ छोड़कर चली गई। आप जरा मुझे सड़क तक पहुँचा दीजिए, फिर मैं चली जाऊँ। मैं
मुझे ही कहां दिखाई देता है। तुम थोड़ी देर यहां बैठ जाओ, वो आती ही होगी। आओ। आप जन्म के अंधे? नहीं तो? तो फिर आपकी आंखें कैसे खुली? ये एक पुरानी बात है। दरअसल मुझे जन्म के अंधे? नहीं तो? तो फिर आपकी आंखें कैसे खुली? ये एक पुरानी बात है। दरअसल मुझे गाने का बहुत शौक है। एक दिन अपनी धुन में यूं ही गुनगुनाता जा रहा था कि अचानक एक मोटर, डॉक्टर ने मेरी जान तो बचा ली मगर मेरी आंखें हमेशा के लिए जाती रही। और उस दिन से जब भी कोई मोटर मेरे पास से गुजरती है या ब्रेक लगने की आवाज आती है तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे फिर कोई धनवान किसी गरीब की आंखें लूट कर। ये मेरी तस्वीर है? नहीं, ये तो आपकी सवारी है। ओ, तो गोया मेरी तस्वीर इसके ऊपर बनेगी? हा? जी हाँ। ये अशोक के साथ कौन बैठा? सवारी है। ओ, तो गोया मेरी तस्वीर इसके ऊपर बनेगी? हा? जी हाँ। ये अशोक के साथ कौन बैठा? तुम यही ठहरो, मैं जाकर देखती हूँ। यही ठहरना। हाँ, गोपाल? जी गोपाल नहीं, मैं माला हूँ, आ गई मेरी बहन। ओ, आपने इस तरह के लिए छोड़कर कहाँ चली गई थी? ये बेचारी पत्थर से टकरा कर गिर पड़ी, कहीं चोट लग जाती तो? जी, मैं, पर ये तो गोपाल कहाँ गया? यही कहीं होगा, अभी भेज देती हूँ। कहीं चोट लग जाती तो? जी, मैं, पर ये तो गोपाल कहाँ गया? यही कहीं होगा, अभी भेज देती हूँ। चलो दीदी, चलो। नमस्ते। नमस्ते। जरा इन्हें संभाल कर लीजिए। जी हाँ। कौन है ये? मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? इसी ने तो कल अशोक बाबू को थप्पड़ मारा। मुझसे बड़ी भूल हो गई गोपाल भैया। मेरी बहन है। तुम्हारी बहन है? इसी ने तो कल अशोक बाबू को थप्पड़ मारा। मुझसे बड़ी भूल हो गई गोपाल भैया, और अब मैं उसकी सतराश चुप करना चाहती हूँ। मैं उनकी हमदर्द बनना चाहती हूँ। जानते हो मैंने उनसे क्या कह दिया? मैंने उनसे कहा, और अब मैं उसकी सतराश चुप करना चाहती हूँ। मैं उनकी हमदर्द बनना चाहती हूँ। जानते हो मैंने उनसे क्या कह दिया? मैंने उनसे कहा कि मैं गरीब अंधी। ये सुनकर उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें की और मुझे अपने पास बिठा लिया। भैया, भगवान के लिए मेरा ये राज कि मैं गरीब अंधी। ये सुनकर उन्होंने मुझसे बहुत सी बातें की और मुझे अपने पास बिठा लिया। भैया, भगवान के लिए मेरा ये राज उनसे जाहिर न करना, वरना वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे। और मैं जो कुछ करना चाहती वो कभी न कर सकूंगी। उनसे जाहिर न करना, वरना वो मुझसे कभी बात भी नहीं करेंगे। और मैं जो कुछ करना चाहती वो कभी न कर सकूंगी। अच्छा अच्छा करवा करवा ये क्या लगा होता है? ये क्या है? कौन आया था? कौन आता है सरकार? फिर ये तस्वीरें क्यों उस तरह लगी हुई है? खबरदार, अगर आज के मामले में कुछ भी दखल दिया तुम लोगों ने, नौकरी से निकाल दो सब लोगों। चलो चलो अपना सामान ठीक कर। चलो बढ़िया बदतमीजी आर्टिस्ट बनकर। कौन गोपाल बाबू, कौन बदतमीज? मेरा मतलब उन बॉय से था। बॉय आई बैठी ना, आप भी आई है क्या? अशोक बाबू से मिली आई। अशोक बाबू ऊपर है, जाइए। आज तो बिल्कुल मेड इन जापान लग रही हो।
बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? आज नहीं पहचान सकते। कौन? बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? आज नहीं पहचान सकते। माधवी तुम अकेली आ रही? मुझे मेरी बहन छोड़ गई। अच्छा अच्छा आओ यहाँ बैठो। अरे ऊपर बैठो ना। नहीं यही ठीक। अच्छा आप शायद गाने की तैयारी कर रहे थे, कहिए ना। नहीं माधवी ऊपर बैठो ना। नहीं मैं यही ठीक। अच्छा आप शायद गाने की तैयारी कर रहे थे, कहिए ना। नहीं माधवी मैंने गाना छोड़ दिया। ये आपने बड़ा जरूर किया। दुनिया को आपके संगीत की जरूरत है और आपने दुनिया। मैंने गाना छोड़ दिया। ये आपने बड़ा जरूर किया। दुनिया को आपके संगीत की जरूरत है और आपने दुनिया को उससे महरूम कर दिया है। माधवी ये बात मुझसे दोबारा न कहना, मुझे इससे बहुत दुख होता है। दुख बांटने से हल्का हो जाता है शुभ बाबू। क्या मैं पूछ सकती कि आपने गाना क्यों छोड़ दिया है? एक वक्त था कि संगीत मेरी दुनिया थी। मैंने कुदरत की सारी रंगीनियों को अपने गीतों में बंद कर रखा था, लेकिन जिस दिन से मेरी आंखें गई हैं मैं वो रंगीनियां भी खो बैठा। फिर भी मैंने एक दिन गाना था, लेकिन उस दिन एक ऐसी बात है जो हमेशा के लिए मेरे संगीत की मौत बन गई। अब मैं कभी नहीं गाऊंगा। तुम अंधी हो इसलिए मेरे जज्बात को अच्छी तरह से, जो हमेशा के लिए मेरे संगीत की मौत बन गई। अब मैं कभी नहीं गाऊंगा। तुम अंधी हो इसलिए मेरे जज्बात को अच्छी तरह से समझती हो। अरे तुम्हें गाना गाना आता है? नहीं अशोक बाबू, यूं ही तार छेड़ती है। ठीक तो छेड़ नहीं थी। क्या कभी तुमने कोशिश की है गाना सीखने की? मुझ जैसी अंधी और गरीब लड़की को कौन सिखाएगा? यूं ही तार छेड़ती है। ठीक तो छेड़ नहीं थी। क्या कभी तुमने कोशिश की है गाना सीखने की? मुझ जैसी अंधी और गरीब लड़की को कौन सिखाएगा? और फिर इसके अलावा मेरे पास सीस देने के लिए भी तो कुछ नहीं। आप तो गाना बहुत अच्छा जानते हैं शुभ। और फिर इसके अलावा मेरे पास सीस देने के लिए भी तो कुछ नहीं। आप तो गाना बहुत अच्छा जानते हैं शुभ। मुझे नहीं सिखाएंगे? मैंने कहा मैंने गाना गाना छोड़ दिया। गाना गाना छोड़ दिया? सिखाना तो नहीं छोड़ा? मुझे इस बात पर मजबूर ना करो। मधु मधु चलो, मधु खाने का वक्त हो गया है और अगर कहीं देर हो गई तो वहां से इतराज की मशीन गन चालू हो जाएगी। अच्छा मत सिखाइए, मैं चली जाती। मैं चली जाती। गोपाल मुझसे भारी भूल हो गई है। माधवी ने मुझे गाना सिखाने के लिए कहा था और मैंने उसे मना कर दिया। मालूम होता है गोपाल मुझे उसके लिए अपनी कसम तोड़नी पड़ेगी। तुम उसे फौरन बुला दो। अच्छा अच्छा मैं अभी ले आता फौरन गोपाल। माधवी कहाँ चली गई? चली कहाँ गई थी? माला के साथ नहीं जाती ना तो कैसे जाती? मुझे कहाँ दिखाई देता है? हाँ तुम्हें भी तो दिखाई नहीं देता। अच्छा गाना सीखोगी?
बोलो आओ। यहां माता सरस्वती की मूर्ति है, इन्हें प्रणाम करो। यहां माता सरस्वती की मूर्ति है, इन्हें प्रणाम करो।
तरसे अखियन से नित सावन बरसे पी दर्शन कहीं के अखबार में खबर है कि एक अंधे का ऑपरेशन करके बंबई के एक डॉक्टर ने उसकी आंखें अच्छी कर दी। क्या लिखा था? हाँ हाँ, लेकिन इसने कौन सा कमाल किया उन्होंने। 30 साल पहले यूरोप में ऐसे कई ऑपरेशन हो चुके थे, मुर्दों की आंखें जिंदा आदमियों को लगा दी गई थी। इन्होंने कौन सा शेर मार दिया चोरों ने। 30 साल पहले यूरोप में ऐसे कई ऑपरेशन हो चुके थे, मुर्दों की आंखें जिंदा आदमियों को लगा दी गई थी। इन्होंने कौन सा शेर मार दिया चोरट लाओ। यूरोप कहा लाओ। यूरोप कहा
है? हाँ हाँ, मुझे रुपया चाहिए, बता चाहिए। हाँ। ये लो, ये नहीं माला। हाँ? मुझे 2000 रुपए चाहिए। 2000? हाँ, हाँ माला, अशोक बाबू की आंखों का इलाज हो सकता है, इसीलिए तो मांग रही हूँ। आंखों का इलाज हो सकता है? हाँ, हाँ, देखो ना, देखो ये इसलिए लिखा है। अब तो दोगी ना माला? दे दूंगी, मगर दादी से मत कहना। अरे नहीं नहीं, क्या पागलों की तरह भागती हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? क्या पागलों की तरह भागती हो, कहीं चोट तो नहीं लगी? ये अंधी पगली आपसे ठीक मान गई। क्या चाहिए अंधी को? दो आगे अखबार में निकला है कि बॉम्बे में एक डॉक्टर अंधी आ चुका। दो आगे अखबार में निकला है कि बॉम्बे में एक डॉक्टर अंधी आ चुका इलाज करता है। तुम्हें किसी ने बहका दिया? देखिए ना, अखबार में साफ साफ लिखा है। अच्छा, तुमने कुछ पढ़ा है ना? मुझे माला ने पढ़ के सुनाया था। हो तो फिर करा लो अपनी आंखों का। मैं अपने लिए नहीं कह रही, आपकी आंखों के लिए कह रही हूँ। मुझे माला ने पढ़ के सुनाया था। हो तो फिर करा लो अपनी आंखों का। मैं अपने लिए नहीं कह रही, आपकी आंखों के लिए कह रही हूँ। मेरी आंखें, मैं अब आंखें लेकर क्या करूंगा? मेरी आंखें, मैं अब आंखें लेकर क्या करूंगा? मैं बगैर आंखों के देख सकता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें जैसे कमल के फूल। मैं बगैर आंखों के देख सकता हूं कि तुम कितनी खूबसूरत हो। तुम्हारी आंखें जैसे कमल के फूल। तुम्हारे होठ जैसे गुलाब के पंख। तो मेरा कहना मानो अशोक, आंखों का इलाज करा ही लो, तुम तो कलाकार हो। तुम्हारे होठ जैसे गुलाब के पंख। तो मेरा कहना मानो अशोक, आंखों का इलाज करा ही लो, तुम तो कलाकार हो। तुम अगर क्या होता तो रुपया ही हो सकता है। मैं किसी से दान नहीं लूंगा। मैं नहीं चाहता कि लोग मेरी बेबसी से तर्स करें। मुझे उनकी हमदर्दी सख्त नफरत सुना दी। दान नहीं है अशोक बाबू, यहाँ एक संगीत सम्मेलन होने वाला है और उसमें जो सबसे अच्छा गाएगा उसे 2000 रुपया इनाम मिलेगा। और तुमसे अच्छा भला कौन गा सकता है? मेरे लिए गा दो ना, मेरे लिए गा दो ना अशोक। और तुमसे अच्छा भला कौन गा सकता है? मेरे लिए गा दो ना, मेरे लिए गा दो ना अशोक। तशरीफ रखिए। अशोक,
मालूम होता है ऑपरेशन अभी होगा। कितनी जल्दी? हाँ डॉक्टर साहब हाथ धो रहे हैं। अशोक मालूम होता है ऑपरेशन अभी होगा। कितनी जल्दी? हाँ डॉक्टर साहब हाथ धो रहे हैं। नर्स उम्मीद है आपकी आंखें ठीक हो जाएंगी अशोक बाबू। तो फिर ऑपरेशन कब कीजिएगा डॉक्टर? ऑपरेशन तो अभी कुछ दिन नहीं कर सकता, मुझे कम से कम 8 दिन हो सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? यहाँ अंधों की मदद के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। अंधों की मदद के लिए? ये तो बड़ा नेक काम है डॉक्टर साहब। ये कम से कम 8 दिन हो सकते हैं। क्यों डॉक्टर साहब? यहाँ अंधों की मदद के लिए एक कॉन्फ्रेंस हो रही है। अंधों की मदद के लिए? ये तो बड़ा नेक काम है डॉक्टर साहब। हाँ लेकिन मुश्किल बहुत है। 4 दिन का वैरायटी प्रोग्राम है लेकिन अभी तक 10,000 रुपए इकट्ठे नहीं हो सके। कलाकार रुपए लेकर काम करना चाहते हैं। वो कलाकार नहीं कोई भटियारे होंगे। नहीं गोपाल न जाने किसी। कलाकार रुपए लेकर काम करना चाहते हैं। वो कलाकार नहीं कोई भटियारे होंगे। नहीं गोपाल न जाने किसी की क्या मजबूरी। मजबूरी? तुम भी गाना गाते हो क्या? तुमने कभी ऐसा सोचा है? आप भी गाना गाते हैं? वाह ये वही तो अशोक बाबू हैं जिन्होंने मसूरी कंपटीशन में 2000 का इनाम जीता था। वेरी गुड वेरी गुड। तब तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी साहब, हमारे प्रोग्राम में हिस्सा लेना ही होगा। इससे अच्छा क्या हो सकता है डॉक्टर साहब कि मैं उनकी मदद कर सकूं। मैं ना भय अनाथ हमारे, मैं ना भय अनाथ हमारे, मदन गोपाल यहाँ ते सजनी सुनियत दूर सिधारे। मैं ना भय अनाथ हमारे, मैं ना भय ते सजनी सुनियत दूर सिधारे। मैं ना भय अनाथ हमारे, मैं ना भय अनाथ हमारे। जब आंखें ही नदी मालिक तो दिल भी नदिया होता। नदिया होता दिलिया होता। जमीनों आसमां वाले अरे ओ दो जहां वाले, दिया था दिल तो आंखों को उजाला भी दिया। जमाने में कोई मजबूर आवे, कोई मजबूर आंखों से, कोई मजबूर आंखों से। ये है दुनिया में पर दुनिया, ये है दुनिया में पर कोई मजबूर आंखों से, कोई मजबूर आंखों से। ये है दुनिया में पर दुनिया, ये है दुनिया में पर दुनिया। है कितनी दूर आंखों से, है कितनी दूर से, ये है दुनिया का। है कितनी दूर आंखों से दुनिया, है कितनी दूर आंखों से, है कितनी दूर से, ये है दुनिया का। है कितनी दूर आंखों से ना हम था। हमारी दुनिया में न चाँद न सूरज न तारे हैं, अंधेरी सब बाहर
नजारे हैं, अंधेरे सब नजारे हैं, भला इनकी सब बहारे हैं, अंधेरे सब नजारे हैं, भला इंसान तो इंसान है, खुदा भी तो नहीं अपना। न पूछो इस जहां में किस कदर हम बे सहारे हैं, न हो हम जमाने में कोई मजबूर आंखों से, कोई मजबूर आंखों से, हूं कि जितने यश की प्राप्ति हमें हुई है वो केवल अशोक बाबू के कारण। इस चार दिन के प्रोग्राम में हमें 50,000 रुपए की आमदनी हुई है। मैं आप सबसे भी यही अपील करूंगा कि आप लोग भी इसी तरह से हमारी खुले दिल से मदद करते रहें। अशोक बाबू, वाह क्या आवाज है आपकी। अशोक बाबू, आपका इनसे परिचय करवा दूं। आप हैं सीमा देवी। गरीब संस्थाओं की जितनी आपने मदद की है शायद ही किसी ने की हो। और आप हैं अशोक बाबू, जिनकी आंखों का मैं इलाज करने वाला हूँ। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई मुझे। डॉक्टर साहब, मैं इन्हें अपनी गाड़ी में घर छोड़ दूंगी। हाँ हाँ ठीक है, आइए अशोक बाबू। क्या हुआ? बटुआ खो गया। पैसे कैसे खो गया? 2,000 रुपए सर।
आगे बैठो। खोचे कितना रुपये? ओमू जी उस्ताद, खोचे कितना रुपये? दरिया में बूंद।
मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। वाकई मैडम का निशाना कभी खाली नहीं जाता। हाथ बहुत खुश नजर आती हूँ मैडम, क्या बहुत बड़ा हाथ मार दिया? अभी तो 2000 रुपया भेजा है तुम्हें। इतनी बड़ी निशानेबाज और खूब। हाथ बहुत खुश नजर आती हूँ मैडम, क्या बहुत बड़ा हाथ मार दिया? अभी तो 2000 रुपया भेजा है तुम्हें। इतनी बड़ी निशानेबाज और खूबसूरत मैडम सीमा और 2000 रुपया। एक बहुत बड़ा हीरा भी लाई। है, है, ये कहीं ना बात। कहाँ है वो हीरा? ऊपर के कमरे में रखा है। हीरा और ऊपर के कमरे में? सरकार उसे तो इस तिजोरी में रखना चाहिए था। उसे तिजोरी में रखने की क्या जरूरत है, दुनिया उसे बेकार समझती है। मगर मैं मिट्टी से सोना बनाना जानती हूँ। तुम ही तो बेकार हो। अगर मेरे कब्जे में ना होते तो जेल के सिवा और कहीं ना होते। मानते हैं मैडम। पर तो अलाओ, ये लीजिए सरकार। और वो हीरा? हीरा ये लीजिए सरकार। और वो हीरा? हीरा अब भी बताती हूँ। यही वो हीरा है जिसने कॉन्फ्रेंस को 50,000 रुपया दिलवा दिया। देखने में वाकई हीरा नजर आता है। कभी कभी औरतों की मोहब्बत रहम से शुरू होती है। तुम्हें भी शायद रहम आ गया है उस पर। मैं उसकी आवाज का नीलाम करने लायक हूँ, बहुत ही अच्छा गाता है। रहम से शुरू होती है। तुम्हें भी शायद रहम आ गया है उस पर। मैं उसकी आवाज का नीलाम करने लायक हूँ, बहुत ही अच्छा गाता है। क्या हुए? मुझे क्या मालूम। क्यों खान भाई, ये 500 क्या हुए? सब चोर है, दुनिया चोरों की बनी हुई। जिसे मौका मिलता है वो काट लेता है और जिसे मौका नहीं मिलता। ये 500 क्या हुए? सब चोर है, दुनिया चोरों की बनी हुई। जिसे मौका मिलता है वो काट लेता है और जिसे मौका नहीं मिलता वो इसे पाप समझता है। चोर कहीं की आधा पैसा तो यूं ही वो इसे पाप समझता है। चोर कहीं की आधा पैसा तो यूं ही उड़ा जाते हैं। कल कॉन्फ्रेंस में हम भी तुम्हारा गाना सुनने लगा था क्या? वो कवाली जो तुमने गाया था ना सर, कवाली, अरे उसमें तो बिल्कुल सब लोग रोता था क्या? तुम भी गए थे क्या? अरे सर गया था तो नहीं क्या, सवेरे 7 बजे लाइन में खड़ेला था और 11 बजे जाके टिकट मिला हमको, आधा दिन का धंधा बंद। ऊपर से साला वो एक मावाली हमारा पाव पे पाव रख दिया, कल हमारा पाव छिल गया एकदम। देखो था और 11 बजे जाके टिकट मिला हमको, आधा दिन का धंधा बंद। ऊपर से साला वो एक मावाली हमारा पाव पे पाव रख दिया, कल हमारा पाव छिल गया एकदम। देखो ना सर हमारा पाव छिल गया बिल्कुल। हाँ तो गोपाल क्या लिखा तुम? हाँ लिखा है कि ऑपरेशन होने में 8-10 दिन की देर है। लिख दो कि पट्टी खुलते ही मैं तुम्हें फौरन बुलवा लूंगा। और डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद दिलाई है, मेरी आंखें जरूर अच्छी हो जाएंगी। पट्टी खुलते ही मैं तुम्हें फौरन बुलवा लूंगा। और डॉक्टरों ने बहुत उम्मीद दिलाई है, मेरी आंखें जरूर अच्छी हो जाएंगी। अशोक नहीं, तुम्हारा अशोक लिखो। और देखो अब माला को जो कुछ तुम चाहे लिखो। वो तो मैंने पहले से लिख लिया है। तू
माला देवी केयर ऑफ, वो तो मैंने पहले से लिख लिया है। टू माला देवी केयर ऑफ हरिदास यूरोप वाले मसूरी। नमस्ते अशोक बाबू। हरिदास यूरोप वाले मसूरी। नमस्ते अशोक बाबू। नमस्ते, आइए आइए, बैठिए बैठिए। मैं आपके मुंह धोने के लिए गर्म पानी मंगवा देती हूँ। पॉल, साहब के लिए गर्म पानी और चाल ला दो। अच्छा तुमसे राम राम, हम जाता है। अरे भी पैसे तो लेते जाओ। अरे सेठ, तुमसे क्या पैसा लेने का, हम तुम्हारा मुफ्त हजामत बनाएगा, तुम हमको कभी मुफ्त गाना सुना देगा क्या सेठ? राम राम। समय राम राम। आइए। कहिए अशोक बाबू, आपको यहाँ की आबोहवा बहुत ही गर्म मालूम होती होगी। आप गाना सुना देगा क्या सेठ? राम राम। समय राम राम। आइए। कहिए अशोक बाबू, आपको यहाँ की आबोहवा बहुत ही गर्म मालूम होती होगी। आप तो शायद किसी पहाड़ से आ रहे हैं ना? जी हाँ, हम लोग मसूरी से आए हैं, वहाँ मेरे दोस्त गोपाल का होटल। अच्छा, तो मैं खत डाल के आता हूँ। अच्छा, आप तो शायद किसी पहाड़ से आ रहे हैं ना? जी हाँ, हम लोग मसूरी से आए हैं, वहाँ मेरे दोस्त गोपाल का होटल। अच्छा, तो मैं खत डाल के आता हूँ। अच्छा, बैठिए। नहीं नहीं, चलिए पहले मुँह हाथ धो लीजिए। मुझे आपकी एक जरूरत आ पड़ी है अशोक बाबू। मुझे आपकी एक जरूरत आ पड़ी है अशोक बाबू। फरमाइए। मैं भी अंधों की सेवा करना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है, लेकिन इससे तो मैं अपना फर्ज समझती हूँ। फरमाइए। मैं भी अंधों की सेवा करना चाहती हूँ। ये तो बहुत ही नेक ख्याल है, लेकिन इससे तो मैं अपना फर्ज समझती हूँ। मैंने सोचा है कि आपके गाने और मेरे डांस के कुछ प्रोग्राम रखकर दुनिया को ये दिखाऊं कि कला किस तरह सेवा के काम आ सकती है। मैंने सोचा है कि आपके गाने और मेरे डांस के कुछ प्रोग्राम रखकर दुनिया को ये दिखाऊं कि कला किस तरह सेवा के काम आ सकती है। ठीक तो हमारे कलाकार अपने सुख के लिए अपनी कला को भेज देते हैं। कितने अच्छे विचार हैं आपके। मैं तुम्हें आज ही मसूरी जाना होगा। मसूरी? मगर क्यों? कांटे को दूर करने के लिए। हाय हाय मैडम, कांटे के बगैर फूल का मजा भी नहीं आया। मैं खतरे को पहले ही दूर कर देना चाहती हूँ। अगर उसका आंखों वाला साथी यहाँ रह गया तो उसे पता चल जाएगा कि अंधों के नाम पर हम भी नहीं आए। मैं खतरे को पहले ही दूर कर देना चाहती हूँ। अगर उसका आंखों वाला साथी यहाँ रह गया तो उसे पता चल जाएगा कि अंधों के नाम पर हम मानते हैं। मैडम, कुछ पता वगैरह तो होगा आपके पास। हाँ। मानते हैं मैडम, कुछ पता वगैरह तो होगा आपके पास। हाँ। मन की धड़कन में कोई नाते, मेरे मन की धड़कन में कोई नाते, मेरे मन की धड़कन में कोई नाते, मेरे मन की धड़कन में कोई नाते, ताता थई थई ताता थई थई ताता थई थई, मेरे मन की धड़कन में कोई नाते, मेरे तन की तड़पन में कोई नाते, तत थई थई तत थई थई तत थई थई, मेरे मन की धड़कन में तन की तड़पन में कोई नाते, तत थई थई तत थई थई तत थई थई, मेरे मन की धड़कन में कोई नाते। कोई ना दे
जानूं बिन देखे बिन जाने उसे जानूं रंग उस बिन देखे बिन जाने उसे जानूं बिन देखे बिन जाने उसे जानूं रंग उसका ढंग उसका पहचानूं बिन देखे बिन जाने उसे जानूं जीवन के दर्पण में कोई नाचे तत थई थई तत थई थई तत थई थई मेरे मन की धड़कन में कोई नाचे लहराती बल खाती बिजली सी लहराती बल खाती बिजली सी कभी घूमे कभी बल खाती बिजली सी लहराती बल खाती बिजली सी कभी घूमे कभी झूमे तितली सी लहराती बल खाती बिजली सी सपनों के मधुबन में भी झूमे तितली सी लहराती बल खाती बिजली सी सपनों के मधुबन में कोई नाचे तत थई थई तत थई थई तत थई थई मेरे मन की धड़कन में कोई नाचे तत थई थई तत थई थई तत थई थई मेरे मन की धड़कन में कोई नाचे गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल क्या हुआ गोपाल गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल बाबू गोपाल क्या हुआ गोपाल अशोक माला का तार है मुझे जल्दी बुलाए वो बीमार है घबराओ मत गोपाल हम आज ही मजदूरी चले गए इतनी जल्दी क्या है अशोक माला का तार है मुझे जल्दी बुलाए वो बीमार है घबराओ मत गोपाल हम आज ही मजदूरी चले गए इतनी जल्दी क्या है अशोक बाबू अभी तो आपको अपनी आंखों का इलाज कराना है गोपाल बाबू को ही भेज दीजिए तुम ऐसा करो गोपाल बाबू अभी तो आपको अपनी आंखों का इलाज कराना है गोपाल बाबू को ही भेज दीजिए तुम ऐसा करो गोपाल तुम चले जाओ अगर मेरी जरूरत हो तो मुझे फौरन बुला लेना चाचा हम ऐसे धन को छूते तक भी नहीं जो अंधों के नाम में कमाया गया हो हेलो मैडम बच्चू मुझे उठता तो अल्लाह बड़ा होशियार है ये मैडम का बच्चा बहुत रुपया बनाया है तुमने देखा हमने देख लिया तो अल्लाह बड़ा होशियार है ये मैडम का बच्चा बहुत रुपया बनाया है तुमने देखा हमने देख लिया पहले तो कारोबार में सिर्फ अमीर आदमी ही कटा करते थे अब तो बेचारे अंधे भी कटने लगे हैं एक तीर और दो निशाने मिलती जमानी क्यों कहती थी ना हीरा लाई हो हीरा अरे जवाब नहीं मैडम क्या कहने इस हीरे के रोज इसकी चमक बेचो फिर भी अब क्यों कहती थी ना हीरा लाई हो हीरा अरे जवाब नहीं मैडम क्या कहने इस हीरे के रोज इसकी चमक बेचो फिर भी अपने का ही अपना कोई चोरी भी नहीं कर सकता और बिजनेस में कोई खतरा नहीं हाँ जिस दिन उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी सब खतरा सामने आ जाएगा अपने का ही अपना
कोई चोरी भी नहीं कर सकता और बिजनेस में कोई खतरा नहीं। हाँ, जिस दिन उसकी आंखें ठीक हो जाएंगी सब खतरा सामने आ जाएगा। आंखें? हाँ? उसकी आंखें कभी अच्छी नहीं हो सकती। क्यों? क्या वो सारी उम्र अंधा ही रहेगा? हाँ, वो अंधा ही रहेगा। हे हे, करम गति तारे नहीं तारे। तार दिया था इसलिए मैं चला है। अशोक बाबू तो वही है। मेरा तार? हाँ, हाँ, ये देखो तुम्हारा तार। तार तो वही रह गया। तार तो वही रह गया। ये क्यों नहीं कहते कि मुझे देखने के लिए तार का बहाना बनाया? मैंने बहाना बनाया? तुम मुझे देखना चाहती थी। मैं तुम्हें? हाँ हाँ तुम, इसीलिए तो मुझे तार भेजा। मैंने सुना है कि औरत अंदर ही अंदर जला करती है और ऐसी कुछ भी नहीं, तुम मुझे देखना चाहती थी। हाँ हाँ तुम, इसीलिए तो मुझे तार भेजा। मैंने सुना है कि औरत अंदर ही अंदर जला करती है और ऐसी कुछ भी नहीं। वो जलने वाली कोई और होगी। तुम आज शाम की गाड़ी से फौरन बम्बई के लिए रवाना हो जाओ। गोपाल भैया, पेट साफ की दवा। कब आए गोपाल भैया? अशोक बाबू भी आए हैं ना? जी नहीं, आप अकेले ही थे। किसी मदद से फोन? दो कलाकार इकट्ठे हो गए। अंधों की कॉन्फ्रेंस के लिए तो बहुत रुपये इकट्ठे किए। मेरा ख्याल है तुम आज बंगो चले जाओ गोपाल भैया। अशोक बाबू को किसी के पास ही अकेला छोड़कर चले आना। यही तो मैं भी कह रही थी उनसे दीदी लेके। अच्छा बाबा अच्छा, मैं कल सुबह की गाड़ी से चला जाऊंगा। बस छोटी, आज शाम की गाड़ी से नहीं जा सकते आप? मुझे किसी के पास ही अकेला छोड़कर चले आना। यही तो मैं भी कह रही थी उनसे दीदी लेके। अच्छा बाबा अच्छा, मैं कल सुबह की गाड़ी से चला जाऊंगा। बस छोटी, आज शाम की गाड़ी से नहीं जा सकते आप? चले जाओ ना गोपाल भैया, ऑपरेशन होते ही मुझे तार दे देना, मैं फौरन चली आऊंगी। चले जाओ ना गोपाल भैया, ऑपरेशन होते ही मुझे तार दे देना, मैं फौरन चली आऊंगी। गोपाल आज भी अच्छा भैया। गोपाल गोपाल गोपाल, मसूरी में सब कुछ ठीक है ना? माधी भी ठीक है और माला भी। तुमने माधी से ठीक वक्त पर आने के लिए कह दिया? हाँ भैया, वो तो ठीक वक्त पहुंच जाएगी। मगर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर सिंह। मैं भी चलूंगा। आपकी कोई जरूरत नहीं। ना बाबा ना, ठीक वक्त पर आने के लिए कह दिया। हाँ भैया, वो तो ठीक वक्त पहुंच जाएगी। मगर तुम लोग कहाँ जा रहे हो? डॉक्टर सिंह। मैं भी चलूंगा। आपकी कोई जरूरत नहीं। ना बाबा ना, अशोक भैया को मैं अकेले एक मिनट नहीं छोड़ सकता। लोग अंदर आ सकते हैं? आइए आइए। अरे भाई, ये भी कोई पूछने की बात है? इधर आइए। ये लीजिए, अशोक बाबू ने इतना रुपया और इकट्ठा कर लिया। इधर आइए। ये लीजिए, अशोक बाबू ने इतना रुपया और इकट्ठा कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बैठिए ना। अशोक बाबू, आपने वाकई में हमारी बड़ी मदद की है। ये सब तो सीमा देवी की मेहनत का फल है डॉक्टर साहब, वरना मैं तो मजबूर आदमी हूँ, कर ही क्या सकता हूँ। कितना है? कहिए ना डॉक्टर साहब, इनका ऑपरेशन कब होगा? मैं एक दवा लिख देता हूँ, आप चार दिन तक इनकी आंखों में डालिए और फिर ऑपरेशन के लिए ले आइए। कितना है जी? 1000। सिर्फ 1000? हाल के हिसाब से तो 10000 होना चाहिए। अच्छा तो फिर चले। नमस्ते। नमस्ते। अरे दवाई लेना तो भूल गया। क्या कर गया? पर्चा खोल। कोई बात नहीं, मैं अभी दूसरा पर्चा मंगवा देती हूँ। कैसी लापरवाही करते हो गोपाल, मधु को तो खत लिख दिया है ना, अभी लिखे देता।
कैसी लापरवाही करते हो गोपाल। मधु को तो खत लिख दिया है ना, अभी लिख देता हूँ। लिखना चार दिन के अंदर अंदर यहाँ जरूर पहुंच जाए। मैडम जी, ये दवा लिया और एक पैसे की शीशी में ये दवा भी। मैडम ये दो किस्म की दवाएं हैं। इसी शीशी में ये दवा भी। मैडम ये दो किस्म की दवाएं हैं, एक दवा और दूसरा जहर। अगर डॉक्टर को पता चल गया तो? पट्टी खुलने के बाद पता चलेगा। अशोक हमेशा के लिए अंधा रहेगा और गोपाल जेल चला जाएगा। बाद पता चलेगा। अशोक हमेशा के लिए अंधा रहेगा और गोपाल जेल चला जाएगा। आज का मामला है मैडम, फिर सोच लो। मैंने सोच लिया है, तुम अपना काम करो। चिट्ठी के साथ तार भी भेज दिया है और लिख दिया है अगर डैडी की तबीयत ज्यादा खराब हो तो माला उसे दून एक्सप्रेस में बिठा देगी और मैं स्टेशन पहुंच जाऊंगा। गोपाल बाबू। हाँ जी, मैं बाथरूम में हूँ। आइए आइए। अशोक बाबू, ये दवाई आ गई, दो दो ड्रॉप दिन में तीन मरतबा। जी मैडम, आप टेलीफोन अभी आई। कहाँ गई सीमा देवी? उनका टेलीफोन आया था, मेरी दवा दे गई। लेकिन दवाई तो मैं भी लाया हूँ, डॉक्टर मुझे रास्ते में मिल गए। और कुछ तो नहीं कहा डॉक्टर साहब? उनका टेलीफोन आया था, मेरी दवा दे गई। लेकिन दवाई तो मैं भी लाया हूँ, डॉक्टर मुझे रास्ते में मिल गए। और कुछ तो नहीं कहा डॉक्टर साहब? गिरारी दवा? ये तो स्याही की बोतल थी। लो आपको मैं दवाई डाल दूंगा। दवाई तो तेज होती है भैया, आंख तो खोलो। कल होगा, डॉक्टर कहता था कि ऑपरेशन कामयाब होगा, लेकिन उसे क्या पता कि सीमा का मरीज कभी अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई डॉक्टर उसकी आंखें अच्छी नहीं कर सकता, वो अंधा ही रहेगा। और हम उसकी आवाज का हर जगह सौदा करें, रुपया ही रुपया मिलेगा। कर्म गति टारे नहीं तरे। कितनी गर्मी है। कौन गोपाल? हाँ मसूरी से तार आया है। मधु कला नहीं तरे। कितनी गर्मी है। कौन गोपाल? हाँ मसूरी से तार आया है। मधु कल आ रही है और कल ही तो मेरी पट्टी भी खुलने वाली है ना। हाँ तुम्हारी आवाज इतनी बेरुखी क्यों? लिखा है माला नहीं आएगी, उसके डैडी की तबीयत खराब है। तो फिर माधु किसके साथ आएगी ये मुझे क्या मालूम। गाड़ी सुबह 6 बजे आती है, मैं कल स्टेशन चला जाऊंगा। तो गोपाल तुम 10 मिनट पहले ही चले जाना। अच्छा पहले चले जाते। अच्छा पांच मिनट देर हो गई।
के बॉम्बे के लोग भी देख के जाना, देख के जाना। बस मैं तुम काम अशोक बाबू, आज आपकी पट्टी खोलनी है। गोपाल आ गया क्या? नहीं तो? तो थोड़ी देर ठहर जाइए डॉक्टर साहब, वो मधु को लेकर आता ही। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले मधु को देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी पट्टी, तो थोड़ी देर ठहर जाइए डॉक्टर साहब, वो मधु को लेकर आता ही। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले मधु को देखना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी पट्टी खुलने का टाइम हो गया है, मैं ठहर कैसे सकता हूँ भला? नर? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं बेशक उम्र भर अंधा ही रहूं, मगर बगैर मधु से पट्टी नहीं खुलवाऊंगा। अच्छा, इंतजार करते हैं। सीमा देवी, आपने तो बहुत से नाटकों में काम किया है ना? हाँ। अच्छा, इंतजार करते हैं। सीमा देवी, आपने तो बहुत से नाटकों में काम किया है ना? हाँ, मगर क्यों डॉक्टर साहब? आज एक छोटा सा नाटक और खेल लीजिए, थोड़ी देर के लिए आप ही माधवी बन जाइए। मैं माधवी बन जाऊं? अच्छी बात है। वेरी गुड, मैं अभी आपको बुलवा लेता हूँ। दीजिए अशोक बाबू, आपकी माधवी आ गई, मधु आ गई, तो फिर फौरन पट्टी खोल दीजिए डॉक्टर साहब। अभी आपको बुलवा लेता हूँ। दीजिए अशोक बाबू, आपकी माधवी आ गई, मधु आ गई, तो फिर फौरन पट्टी खोल दीजिए डॉक्टर साहब। मैं खुदा पिलाई, आपको थोड़ी देर रोशनी की तरफ देखना होगा। अच्छा, उसके बाद आप अपनी माधवी को देख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर, मैं खुदा पिलाई, आपको थोड़ी देर रोशनी की तरफ देखना होगा। अच्छा, उसके बाद आप अपनी माधवी को देख सकेंगे। अच्छा डॉक्टर, आज दो ही मिनट के लिए पट्टी खोलूंगा, आज मुझे फिर पट्टी बांधनी है। अब धीरे धीरे आंखें खोलिए। हाँ हाँ, कहिए कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं डॉक्टर साहब। हाँ हाँ, कहिए कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं डॉक्टर साहब, यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। अब आंखें बंद करो। नर्स कर्टन, अब आंखें खोलिए और उस रोशनी की तरफ देखते रहिए। अब आंखें खोलिए और उस रोशनी की तरफ देखते रहिए। तुम वहीं देखते हैं। अच्छा, उसको आंखें मिल गई। तुमने क्या किया? ओह, ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? जो कुछ तुमने दिया था वही शीशी में डालकर, लेकिन दवाई तो आंखों में तुमने डाली थी। ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? जो कुछ तुमने दिया था वही शीशी में डालकर, लेकिन दवाई तो आंखों में तुमने डाली थी। गोपाल ने डाली, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब होगी। अब गोपाल ने डाली थी, जरूर कुछ गड़बड़ है। अब होगी। अब कपट जाल से निकल गया, लेकिन प्रेम जाल से नहीं निकल सकता। चलिए सीमा देवी, लेकिन याद रखिए आप सीमा देवी माधवी हैं,
दूर लीजिएगा। आइए सुनो, तो फिर मैं जाऊं? याद रखिए आप सीमा देवी माधवी हैं और उससे दूर लीजिएगा। आइए सुनो, तो फिर मैं जाऊं? लीजिए अशोक बाबू, आपकी माधवी आ गई। मधु, लीजिए अशोक बाबू, आपकी माधवी आ गई। मधु, तुम आ गई। मधु देखो, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तुम्हीं ने तो मुझे रोशनी, तुम आ गई। मधु देखो, मेरी आंखों की रोशनी वापस आ गई। तुम्हीं ने तो मुझे रोशनी दी। अब मैं सदा तुम्हें अपनी आंखों में बिठाए रखूंगा। मेरे करीब आओ मधु, मेरे करीब आओ। मैं तुम्हारे रास्ते में रोशनी बखेर दूंगा, हमारे प्यार के रास्ते जगमगा उठे। माधवी कहाँ है? माधवी कहाँ है? गोपाल, गोपाल मुझे फौरन यहाँ से मसूरी ले चलो। अब मैं एक पल भी नहीं रह सकता। सो जाओ अशोक भैया, ये क्या कर रहे हो? नहीं गोपाल, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। गोपाल तू फौरन डॉक्टर को बुला ले। सीमा देवी, मैं आपके एहसानों का बदला कभी नहीं चुका सकता, मगर अब मुझे जाने दीजिए। क्या बात है अशोक बाबू? डॉक्टर साहब मैं मसूरी जाना चाहता हूँ। भाई तुम मसूरी कैसे जा सकते हो? रोज तुम्हारी पट्टी खोलनी होती है, बदलनी होती है, और रोज मुझे तुम्हारी आंखें टेस्ट करनी पड़ती है। मैं मसूरी में किसी और डॉक्टर से। अशोक, जब रोज तुम्हारी पट्टी खोलनी होती है, बदलनी होती है, और रोज मुझे तुम्हारी आंखें टेस्ट करनी पड़ती है। मैं मसूरी में किसी और डॉक्टर से। अशोक, जज्बात में आकर अपनी आंखें खराब मत कर बैठना। मुझे अभी आंखों की जरूरत, इनसे मेरी कोई भी आशा पूरी ना हो। मैं चला जाता हूँ अशोक भैया, इस बार मधु को साथ ही लेकर आऊंगा। तुम्हारी दीदी का नहीं, किस्मत का मजाक उड़ाता हूँ मैं। मधु मेरी किसी का मजाक उड़ाते हो? तुम्हारी दीदी का नहीं, किस्मत का मजाक उड़ाता हूँ मैं। मधु को लेने के लिए स्टेशन में गया और मधु मुझे मिली नहीं, और वहाँ बिना मधु का अशोक पट्टी नहीं खुलवाता था। डॉक्टर ने सीमा को मधु बनाकर खड़ा कर दिया और पट्टी खोल दी। तो क्या हुआ साहब? हाँ हाँ, नजर का धोखा था। वाह दीदी, अगर गोपाल ना था तो तुम्हारे लिए ये कॉमेडी काफी अच्छी ट्रेजेडी बन जाती। थेरो, थेरो, सुनो तो, सुनो तो, तुम कहाँ भागे जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। मैंने बहुत बड़ी गलती की, मैं अशोक के पास जा रही हूँ।
चलो गोपाल भैया जल्दी चलो गोपाल भैया जल्दी चलो। तो मेरे ख्याल में मैडम आज कत्लेआम की तैयारी। कत्लेआम नहीं। तो मेरे ख्याल में मैडम आज कत्लेआम की तैयारी। कत्लेआम नहीं कत्लेखात की तैयारी। मैं जानता कि औरतों की मोहब्बत कभी कभी हमदर्दी के रूप में जाहिर हो जाती है। शायद तुम सब जानते हो मुझे लेकिन वो मुझसे क्या नहीं करता। तुम आ जाओ लेकिन वो मुझसे क्या नहीं करता। तुम हंसते हो मौजू है जिसके दरवाजे पर राजाओं और महाराजाओं को झुकते देखा उसके गरूर को एक अंधा फकीर चकनाचूर करते तो हंसी नहीं आई। मेरे मानो तो ये धंधा छोड़ दो। ये मोहब्बत अब्बत तुम्हारा काम नहीं। जब से तुम इस मोहब्बत के चक्कर में पड़ी हो देखती हो क्या हालत हो गई यहाँ की। तुम्हारे सभी साथी भूखे मर रहे हैं। जानती हो भूख इंसान को बगावत पर आमादा कर देती है और अगर ये बगावत की आग यहाँ पर फैल गई तो तुम्हारी ये शानदार जिंदगी कोयले की तरह जलकर स्याह हो जाएगी। मुझे देख चलना तो मुझे कोई तरकीब बताओ। बगावत की आग यहाँ पर फैल गई तो तुम्हारी ये शानदार जिंदगी कोयले की तरह जलकर स्याह हो जाएगी। मुझे देख चलना तो मुझे कोई तरकीब बताओ। उसकी मात भी आने वाली है उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। मैं इस आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। किसी तरह उसे रोको मुझे। उसके मात भी आने वाली है उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा। मैं इस आदमी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती। किसी तरह उसे रोको मुझे। किसी तरह रोको। तुम्हें तो वाकई इश्क हो गया है। मुझे कुछ नहीं हो गया लेकिन वो मेरे हाथ से नहीं जाना चाहिए। तू मेरी सारी दौलत ले लो और उसे यहाँ रहने पर मजबूर कर दो। कुछ नहीं ले फिर एक मुजरिम मुजरिम की मदद करने में भला क्या लेगा नहीं जाएगा। मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। नहीं जाएगा। मेरा निशाना कभी खाली नहीं जाता। हेलो मेरे हेलो हे मोजू भाई किधर जाता है ये जाल लेकर। हम चिड़िया पकड़ने। इतना बड़ा जाल इसमें तो आदमी पकड़ा जाएगा। हम आसमान से जो भी गिरा पकड़ा जाएगा। चिड़िया गिरी तो चिड़िया और आदमी गिरा तो आदमी। चौहान भाई इतना बड़ा जाल इसमें तो आदमी पकड़ा जाएगा। हम आसमान से जो भी गिरा पकड़ा जाएगा। चिड़िया गिरी तो चिड़िया और आदमी गिरा तो आदमी। चौहान भाई जवाब नहीं जवाब जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगी। मार्थी नहीं आएगी। आप जिसका इंतजार कर रहे हैं वो नहीं आएगी। मार्थी नहीं आएगी। क्यों क्या कोई चिट्ठी आई है? नहीं। इंसान जिस चीज के लिए बेताब होता है वो क्यों क्या कोई चिट्ठी आई है? नहीं। इंसान जिस चीज के लिए बेताब होता है वो उससे दूर चले जाते। मगर मधु मुझसे दूर नहीं जा सकती। इतना विश्वास है तो फिर ये उदासी क्यों? मुझे ये उदासी पसंद नहीं। चलिए कहीं घूमने चल। मैं मधु के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम्हें चलना ही होगा। सीमा का कहना तुम टाल नहीं सकते। तुम्हें चलना ही होगा। सीमा का कहना तुम टाल नहीं सकते।
तुम तैयार हो जाओ, मैं अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। क्या हुआ? चाबी तो कार में ही रह गई, कोई चाहे तो कार ले जाए। ओ, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन पुलिस को इससे क्या वास्ता, वो तो तुम्हें पकड़ लेगी। क्यों कर दिया? लेकिन ये तो मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी इज्जत बचाने के लिए किया, लेकिन पुलिस को इससे क्या वास्ता, वो तो तुम्हें पकड़ लेगी। तुम्हारी माधवी आने वाली है ना, वो आएगी और देखेगी कि तुम उसके देवता नहीं, कातिल हो, खूनी हो। नहीं, मैं माफी से नहीं मिला जाता, मैं माफी से नहीं मिला जाता। खूनी हो? नहीं नहीं, मैं माफी से नहीं मिला जाता, मैं माफी से नहीं मिला जाता। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तुम अपने चेहरे से परेशानी मिटा दो, कोई देखकर ये कहना सके कि तुम कातिल हो। अरे साढ़े आठ, तुम अपने चेहरे से परेशानी मिटा दो, कोई देखकर ये कहना सके कि तुम कातिल हो। अरे साढ़े आठ बज के, 9 बजे तो होटल में मेरा डांस है। होटल? हाँ, मुझे इस औरत पर बहुत दिनों से शक है, आज कुछ गड़बड़ मालूम होती है। रामानंद, पीछा करो। यस सर। हरी अप, जल्दी। दिनों से शक है, आज कुछ गड़बड़ मालूम होती है। रामानंद, पीछा करो। यस सर। हरी अप, जल्दी।
Thank you.
तुम ठहरो माधी, मैं अभी आता हूँ। मगर क्यों? ऊपर जाकर खबर कर देता हूँ। बस बेटा उछलता हुआ तो मैं लेने आया। कौन सी चिंता में डूबे हो? बोलो। बोलो। सीमा देवी, आपने मुझ पर बहुत एहसान किए। इन एहसानों का बदला मैं कैसे दूंगा? मैंने एहसान किया है? परवाना शमा पर फलक कौन सा एहसान था? सुलझाने का या चलाने का? मुझे जाने दो सीमा, मैं पुलिस के सामने अपने जुर्म का इकबाल करना चाहता हूँ। इससे मेरे मन को शांति मिल जाएगी। पागल हो गए हो? शांति तुम्हें यहाँ पे मिलेगी, मेरी आगोश में। सीमा, जानते हो अगर तुमने अपने जुर्म का इकबाल कर लिया तो पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी। ठहर, मैं जाकर देखती हूँ पुलिस क्यों आएगी, या तो पुलिस मुझे भी पकड़ लेगी। ठहर, मैं जाकर देखती हूँ पुलिस क्यों आएगी। सीमा देवी, सीमा देवी, सीमा देवी, वाह जी वाह। सीमा देवी, सीमा देवी, सीमा देवी, वाह जी वाह। मैं तो कब से आपको ढूंढ रहा हूँ। अच्छा बाप, लेकिन मधु तो यहाँ आई हुई है। ओह, बेचारों की किस्मत में भटक नहीं लिखा है। मधु यहाँ आ गई, अशोक वहां गए। इतना बड़ा कलाकार लेकिन एक नंबरी भोरम है। लेकिन मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें माधवी को लेकर फौरन मसूरी पहुंचना चाहिए। वो माधवी को देखने के लिए बहुत बेकरार हो रहे थे। ठीक है, ठीक है। माधवी को लेकर फौरन मसूरी पहुंचना चाहिए। वो माधवी को देखने के लिए बहुत बेकरार हो रहे थे। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बोलो, इतना सारा पीछा करेंगे? मुझे पीछा कर रही है? मुझे तुम सब नीचे चले जाओ, बाहर मत निकलना। बहुत अच्छा, चलो चलो। इतना नाटक क्यों खेलते हो गोपाल भैया? साफ साफ कह दो कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता।
चलो चलो। इतना नाटक क्यों खेलते हो गोपाल भैया? साफ साफ कह दो कि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता। अरे वो खास तुम्हें देखने के लिए मसूरी गया हुआ है, मुझे सीमा देने का। चलो चलो, राम करे किसी को पागल प्रेमी उसे पाला न पड़े। एक मसूरी पास होगा और दूसरी, अरे वो खास तुम्हें देखने के लिए मसूरी गया हुआ है, मुझे सीमा देने का। चलो चलो, राम करे किसी को पागल प्रेमी उसे पाला न पड़े। एक मसूरी पास होगा और दूसरी, मैंने अभी अभी उन्हें सीमा देने के साथ ऊपर जाते हुए देखा है। ऊपर जाते हुए? मगर सीमा ने तो वही तो उनका हाथ पकड़े हुए इस तरह दुनिया की नजरों से छुपा कर ले जा रही थी। अभी अभी उन्हें सीमा देवी के साथ ऊपर जाते हुए देखा है। ऊपर जाते हुए? मगर सीमा ने तो वही तो उनका हाथ पकड़े हुए इस तरह दुनिया की नजरों से छुपा कर ले जा रही थी, जैसे चोर किसी की दौलत को छुपा कर ले जाता है। ये बात तुम ठहरो यहाँ, मैं अभी आता हूँ। जैसे चोर किसी की दौलत को छुपा कर ले जाता है। ये बात तुम ठहरो यहाँ, मैं अभी आता हूँ। पर्दे की बीवी बन गया, छुप कर बैठे और कहा घर पर नहीं? भगवान के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने नहीं, तुम्हारी सीमा ने कहा। सीमा ने? हाँ, कहा मसूरी चले गए। छुप कर बैठे और कहा घर पर नहीं? भगवान के लिए आज तक मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने नहीं, तुम्हारी सीमा ने कहा। सीमा ने? हाँ, कहा मसूरी चले गए। हाँ, उसने ठीक ही कहा है कि मैं यहाँ नहीं हूँ। उजाले की दुनिया में अब कहीं मेरा ठिकाना नहीं है गोपाल। ठीक है, तुम्हारे जैसे परम घोरापराधी को सिर्फ अंधेरे में शरण मिलती है। मुझे सब कुछ मालूम हो गया। माधवी के अरमानों का खून करके, अपने गुनाहों से डरकर तुम यहाँ के छिपे बैठे हो। मुझे गलत मत समझो गोपाल, तुम्हें शरण मिलती है। मुझे सब कुछ मालूम हो गया। माधवी के अरमानों का खून करके, अपने गुनाहों से डरकर तुम यहाँ के छिपे बैठे हो। मुझे गलत मत समझो गोपाल, माधवी मेरे नैनों की ज्योति है। ज्योति नहीं, मेरा सर है। मधु तुम्हारे लिए यहाँ दौड़ कर आई, और तुम मधु यहाँ आई? हाँ, मैंने उस बेचारी से कहा था कि अशोक तुम्हारे आने की खबर पाते ही तुम्हें दौड़ कर लेने आएगा। मधु से कहते ना मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं अब उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं रहा। अच्छा, तो अब पैसे वाले के अशोक तुम्हारे आने की खबर पाते ही तुम्हें दौड़ कर लेने आएगा? मधु से कहते ना मैं उससे नहीं मिल सकता, मैं अब उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं रहा। अच्छा, तो अब पैसे वाले की मोहब्बत के काबिल हो गए, गोया इंक्रीमेंट हो गया आपका। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने की जरूरत नहीं और फुर्सत भी नहीं। अब सुनो, क्या तुम्हारे चेहरे पर तो मक्कारी और बेवफाई का साइन बोर्ड लटका हुआ? काश तुम अंधे ही रहते, तब तुम कितनी अच्छी आदमी थी अशोक। और अब जरा अपनी सूरत तो देखो आईने में, कैसी झाड़ियां फिर रही है मुंह पर। तू भले ही अपने को कितने सुख और चैन में समझो। गोपाल, गोपाल, गोपाल बाबू, हमसे ना भूलेगा, कह देता हूं। गोपाल, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। असल में बात ऐसी है जिसे बताते हैं मुझे शर्म। मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। असल में बात ऐसी है जिसे बताते हैं मुझे शर्म आती है। बढ़िया इलाज की पुत्री, मैं खूब समझता हूँ। भला इस पर भी किसी का जोर चला है गोपाल? लेकिन यह बात कहीं माफी से ना कह देना, बेचारी का दिल टूट जाएगा। औरत के दिल को अच्छी तरह समझ। लेकिन सीमा देवी, ये बात मैं इस तरह, लेकिन ये बात कहीं माधवी से ना कह देना, बेचारी का दिल टूट जाएगा। औरत के दिल को अच्छी तरह समझ। लेकिन सीमा देवी, ये बात मैं इस टाइम कागज पर लिख देता हूँ कि जो माधवी का ना हो सका, जिसने उसको आंखें दी, वो तुम्हारा कभी नहीं हो सकेगा। मधु, क्या तुमने सबको सुन लिया? माथे बहन आई है। नमस्ते। क्या अशोक बाबू से मिलना आई हो?
अगर वो मिलना चाहे तो। अच्छा मैं कोशिश करूंगी, आओ मेरे साथ। मत जाओ माधवी, जिसे मैंने अपना छोटा भाई समझकर प्यार किया, मैं नहीं चाहता कि उसकी बेवफाई कोई देखे, खास करके तू। ये गोपाल भैया, जिसे मैंने अपना छोटा भाई समझकर प्यार किया, मैं नहीं चाहता कि उसकी बेवफाई कोई देखे, खास करके तू। ये गोपाल भैया, जरा जरा सी बात पर दिल से प्यार उतारा जाता है भला। हमारे मन के साथ और सपने अलग हो गए, तो क्या हम भी अलग हो गए? ये मेरी बहन का घर है गोपाल। गोपाल तुम कहाँ जाओगे? तुम भी यही रहो ना। नहीं नहीं, मैं यहाँ किस नहीं रहूंगा, मेरी जरूरत पड़े। ये मेरी बहन का घर है गोपाल। गोपाल तुम कहाँ जाओगे? तुम भी यही रहो ना। नहीं नहीं, मैं यहाँ किस नहीं रहूंगा, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे श्रीधर के यहाँ फोन कर देना। अच्छा, और देखो मेरा बैग जरा ऊपर भिजवा दो भैया। हाँ अच्छा, नमस्ते। ये उनका कमरा है, यही वो रहते थे। ये उनका कमरा है, यही वो रहते थे, यही मैंने उस महान गायक के कोमल। ये उनका पलंग है ना, यही सोते होंगे। यही मैंने उस महान गायक के कोमल। ये उनका पलंग है ना, यही सोते होंगे। यही बैठते होंगे, यही उन्होंने चाय पी होगी, मगर अब वो कहाँ है? देखती हूँ वो तुमसे मिलना चाहते हैं या नहीं। गोपाल क्या कह रहा था? बहुत कुछ। मधु आई। मधु, तुम हर वक्त मधु की बातें क्यों करते हो? क्या मैंने तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया? तुमने मुझ पर इतने एहसान किए सीमा कि मैं उन्हें भुला नहीं सकता, लेकिन मधु के प्यार ने मुझे आंखें दी। मैं बदनसीब हूं कि उन्हें भी गंवा बैठा। जिसने मुझे आंखें दी उसके और मेरे बीच आज फांसी का फंदा लटक रहा है, न जाने वो क्या सोचती होगी। मैं तुम्हारे दर्द को अच्छी तरह समझती हूँ अशोक, पर इधर देखो, कभी एक पल के लिए मेरा क्या ध्यान आता है? तुम मुझे आसान खामोश समझती हो। मेरी हर बात तुम्हें आसान मालूम होती है, सच कहूंगा। ठीक है जाओ। हाँ देखो, पास के कमरे में अंधी मेम साहब है, उनको खाना पहुंचा देना। आपका रूम अगाड़ी है मेम साहब, आप यहाँ कैसे आ गए? यूँ ही बाहर निकली थी, भटक गई। आइए पहुँचा दो। आप वेजिटेरियन खाना खाएंगे या नॉन? मुझे भूख नहीं है भाई। अशोक, मैं तुम्हें इतना चाहती हूँ कि तुम्हारे लिए मुझे को भी प्यार कर सकती हूँ। विश्वास रखो, खून का मामला दबते ही मैं तुम्हें और मुझे को मिला दूंगी। तो फिर आज ही मिला दो। देखो मिलने पर भी विश्वास रखो, खून का मामला दबते ही मैं तुम्हें और मुझे को मिला दूंगी। तो फिर आज ही मिला दो। देखो मिलने पर किसी न किसी तरह बात खुल जाएगी। जिस बात को हमने हर तरह से छुपा कर रखा है, एक से दो की जबान पर जाते ही दुनिया को मालूम हो जाएगा। मैं वायदा करता हूं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। मधु अंधी है, देख नहीं सकती। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। कहो कि मिला दोगे तो कुछ नहीं कहूंगा। मधु अंधी है, देख नहीं सकती। मैं उसे एक बार देखना चाहता हूं। कहो कि मिला दोगे। अच्छा
ये तो हमारी सीमा है। मैं अभागन सीमा से उस पार किसी और की राह देख रही थी। सच कहो मधु, इस वक्त तुम मन ही मन मुझे कोस रही होगी। ना मैं तुम्हें क्यों, अरे तुम बैठो ना, खड़ी क्यों, तुम खड़ी हो ना, तो मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे वो खड़े थक जाएंगे। नहीं मधु, मैं तो यही कहने आई थी कि अशोक तुमसे मिलना नहीं चाहता है जैसे वो खड़े थक जाएंगे। नहीं मधु, मैं तो यही कहने आई थी कि अशोक तुमसे मिलना नहीं चाहते। लेकिन उनसे ये तो पूछ लेना कि मेरा कसूर क्या है। मैंने आज ही पूछ लिया है उन्हें। कहते लेकिन उनसे ये तो पूछ लेना कि मेरा कसूर क्या है। मैंने आज ही पूछ लिया है उन्हें। कहते थे मधु से कहना मैं उसे दिल से चाहता हूँ, कदर करता हूँ। नजर पाने के बाद अगर उन्होंने मुझे ना देख लिया हो तो शायद है कि वो तुम्हें प्यार भी करते। मैं तो उनकी याद में ही अपना जीवन बिता दूंगी। उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए कंगन लाऊंगा। मेरी बाहें अब तक सूनी पड़ी है सीमा। उन्होंने मेरी अंधी आंखों पर हाथ रखकर कहा था कि जब तक ये अच्छी नहीं हो जाएगी चैन से नहीं बैठूंगा। फिर हम दोनों जीवन की रागनी गाकर संसार को संगीत में बनाएंगे। चैन से नहीं बैठूंगा। फिर हम दोनों जीवन की रागनी गाकर संसार को संगीत में बनाएंगे। उनके वादों ने मुझे इंतजार में थका डाला सीमा। उनकी मोहब्बत ने मुझे कहीं का नहीं रखा। मुझे कहीं का नहीं रखा सीमा, मुझे कहीं का नहीं रखा। रोमन, काश तुम्हारे इन आंसुओं में उन्हें खींच लाने की ताकत होती। मुझे तुमसे हो सके तो सफा कर ये सोचो। मैं इससे बढ़कर भला और क्या दुआ।
रहे हो? यकीन रखो मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ चले? अपने आप कहाँ जा रहे हो? यकीन रखो मैं तुझसे नहीं मिलूंगा। तो फिर कहाँ चले? अपने आप को पुलिस के हवाले कर, मैं इस जिंदगी से मरना बेहतर समझता हूँ। अशोक, इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। फांसी का फंदा चूमने से पहले गायक अशोक को प्यार करने वाली दुनिया कातिल अशोक के मुंह पर थूके। इतनी आसानी से नहीं छूटोगे। फांसी का फंदा चूमने से पहले गायक अशोक को प्यार करने वाली दुनिया कातिल अशोक के मुंह पर थूकेगी। तब कैसे लगेगा? ये बेवफा कहना है तो कातिल कहलाना कहीं अच्छा है। कम से कम मधु ये तो। तब कैसे लगेगा? बेवफा कहना है तो कातिल कहलाना कहीं अच्छा है। कम से कम मधु ये तो ना सोचेगी कि मैंने उसे धोखा दिया। मुझे जाने दो। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने एक नई बात सोची है। तुम खतरे से भी बच जाओगे और मैंने एक नई बात सोची है। तुम खतरे से भी बच जाओगे और मधु भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहां बैठो, मैं सब इंतजाम करती हूँ। मधु भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहां बैठो, मैं सब इंतजाम करती हूँ। बाहर जाने की कोशिश ना करना। तुम्हें मेरी कसम। जो मौजूद साथ बोला हम लोग क्या करेगा? भूखा मरेगा? मैडम बोल रहा है कि तुमको तुम्हारा रुपया मिलेगा। वो रुपया किधर है? किधर है? हम अपना हिस्सा मांगता है, इन सब लोगों का हिस्सा मांगता है। हमारा हिस्सा। अरे हाँ हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। जब तुम्हारे मुकद्दर में होगा जरूर मिलेगा, समझे? वल्लाह हम तुम्हारे मुकद्दर मुकद्दर को कुछ नहीं जानता है, सब तुमको जानता है, मैडम को जानता है। हम अपना रुपया मांगता है, रुपया। मैडम, क्यों मुझे उस्ताद, उधर मैडम के बच्चे के पास कितना रुपया है? बहुत रुपया। हाँ, तुम चलो ना हमारे साथ, तुमको अभी दिखाते हैं। चलो। दिल तो दे ही चुकी हो मैडम, छत के दौलत देने का भी इरादा है। गाड़ी लिया। कहीं बाहर जा रही हो मैडम? हाँ। कहाँ? कहीं बाहर जा रही हो मैडम? हाँ। कहाँ? मैं खुद नहीं जानती। कुछ तुम नहीं जानता कि तुम किधर जाता? ये भी नहीं जानती। दौलत बड़ी। मैं खुद नहीं जानती। कुछ तुम नहीं जानता कि तुम किधर जाता? ये भी नहीं जानती। दौलत बड़ी मुश्किल से हाथ आती है मैडम। जानती हूँ। अगर जानती तो दौलत साथ लेकर ना जाती। मेरी मानो तो खाली हाथ चली जाओ, जल्दी उकता जाओगी और फिर लौट कर यहीं आना पड़ेगा।
अगर दौलत खत्म हो गई तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी मैडम। मुझे नसीहत की जरूरत नहीं। कहोगी और फिर लौट कर यहीं आना पड़ेगा। अगर दौलत खत्म हो गई तो जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी पड़ेगी मैडम। मुझे नसीहत की जरूरत नहीं। कुछ हमारा क्या होगा? हमने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, बीवी बच्चा छोड़ा, चोरी डाका से रुपया कमाकर तुमको दिया और तुम बोलते हैं कि हम सारा रुपया लेके चला जाएगा। कोचे हम देखते हैं कि तुम कैसा जाता है। चुप रहो। कोचे कैसे बोलता है? कोचे हमसे रुपया कमाता है और हमसे करता है। कोचे तुम ये रुपया लेकर नहीं जाएगा। हट जाओ वहां से। नहीं। चुप रहो। कोचे कैसे बोलता है? कोचे हमसे रुपया कमाता है और हमसे करता है। कोचे तुम ये रुपया लेकर नहीं जाएगा। हट जाओ वहां से। नहीं। कोचे ये रुपया हमारा है, इसे हम लोगों ने चुराया है। मैं कहती हूँ हट जाओ वहां से। नहीं हटेगा। कोचे ये रुपया हमारा है, इसे हम लोगों ने चुराया। मैं कहती हूँ हट जाओ वहां से। नहीं हटेगा। पुलिस स्टेशन पर दूं। हटते क्यों हो मुझे? अब उसे कोई नहीं रोक सकता मैडम, वो चला गया। देखो खान कहाँ गया, मुझे फौरन इस पला दो। हेलो फजल, क्या हुआ? क्या हुआ? ओ जो तुम कौन है? मैं एक अंधी हूँ भाई। तुम अंधी हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? क्या हुआ? क्या हुआ? ओ जो तुम कौन है? मैं एक अंधी हूँ भाई। तुम अंधी हो? तुम्हें क्या तकलीफ है? ओचे हमको उसने मारा, वो औरत के बच्चा सीमन है। ये बहुत लंबा लपड़ा है बहन, ओचे तुम नहीं समझता। कहो भाई, वो गाने वाले अंदर से मोहब्बत करता है, वो गाने वाले उससे नफरत करता है। हाँ। मगर ये सब तुम्हें कैसे मालूम? हम सब जानता है, हम सब जानता है। उसको बम्बे में रखने के लिए हमारा जूट का कत्ल करवाया, हमें ऊपर से नीचे जाली में गिराया। वो बेचारा डरता है ना, बेगुनाह। सब तुम्हें कैसे मालूम? हम सब जानता है, हम सब जानता है। उसको बम्बे में रखने के लिए हमारा जूट का कत्ल करवाया, हमें ऊपर से नीचे जाली में गिराया। वो बेचारा डरता है ना, बेगुनाह है। तो कैसी डर से वो छुपता फिरता है और उसे कमरे के अंदर बंद कर रखा है। तो कैसी डर से वो मुझसे छुपता फिरता है और उसे कमरे के अंदर बंद कर रखा है। गुंगा, ये दोनों बैग गाड़ी में रख दो, मैं अब भी आती हूँ। तो फौरन पुलिस में खबर कर दो और अशोक बाबू की जान बचा लो। और देखो इस पत्ते पर गोपाल बाबू को भी खबर कर देना। तो फौरन पुलिस में खबर कर दो और अशोक बाबू की जान बचा लो। और देखो इस पत्ते पर गोपाल बाबू को भी खबर कर देना। है हम सजाई के लिए बड़ी से बड़ी सजा से नहीं डरेगा। उस आदमी ने तुमसे क्या कहा? किस आदमी? ये जो अभी तुम्हारे पास से गया है। हाँ। उस आदमी ने मुझसे जो कुछ कहा है वो सब मैं अशोक बाबू को बताना चाहती हूँ। किस आदमी? ये जो अभी तुम्हारे पास से गया है। हाँ। उस आदमी ने मुझसे जो कुछ कहा है वो सब मैं अशोक बाबू को बताना चाहती हूँ। अगर तुमने अशोक बाबू को सच्ची मोहब्बत की होती तो मैं उन्हें दिन से तुम्हारे सुपुर्द कर देती। अगर तुमने अशोक बाबू को सच्ची मोहब्बत की होती तो मैं उन्हें दिन से तुम्हारे सुपुर्द कर देती। मगर तुमने उनसे जुल्म किया है। तुम महान हो बहन, वाकई तुम्हें अशोक से सच्चा प्यार है। तुम्हारे प्यार की सच्चाई ने मेरी आंखें खोल दी है। मैं समझती थी कि प्यार में सब कुछ पाना ही होता है। देना मैंने नहीं जाना। तो फिर चलो अशोक बाबू से कह दोगे तुमने उन्हें फरेब दिया है। नहीं नहीं बहन, मैं अब जिंदगी भर उनके पास नहीं जा सकती। तुम ही जाकर कह दो।
हो सके तो मेरी तरफ से माफी मांग लेना। चलो मैं तुम्हें हमसे मिला। अब मैं आगे नहीं जाऊंगी, सीधी चली जाओ। वो दरवाजा, अशोक उसी कमरे में होंगे। जाओ, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। अशोक उसी कमरे में होंगे। जाओ, ईश्वर तुम्हारी आत्मा को शांति दे। भी आगे बढ़े तो माधवी का खून तुम्हारे साथ चढ़ेगा। तुम मुझसे प्रेम का सौदा करना चाहती हो सीमा? छोड़ दो उसे। अशोक, एक कदम भी आगे बढ़े तो माधवी का खून तुम्हारे साथ चढ़ेगा। तुम मुझसे प्रेम का सौदा करना चाहती हो सीमा? छोड़ दो उसे। अशोक, अशोक तुम्हें मेरी जान की सौगंध है, आगे न बढ़ना। अशोक देख लो, यही मेरा असली रूप है। लोग समझते हैं कि मैं देवी हूं, प्रेम और कला की पुजारिन। मुझे केवल अपने से प्यार है। मैं लोग समझते हैं कि मैं देवी हूं, प्रेम और कला की पुजारिन। मुझे केवल अपने से प्यार है। मैं सिर्फ पैसे और शक्ति की पुजारिन। मैं चाहती हूं कि तुम मुझे प्यार करो, इसलिए तुम्हें प्यार करना होगा। मैं झूठ को कामयाब कर सच को मिटा देना चाहती हूँ, इसलिए मधु को मरना होगा। जिससे जो चाहती हूँ उसे वो देना होगा। मैंने आज तक की जिंदगी से ही सबक सीखा है, यही माना है, अब तुमको भी यही मानना होगा। तुम सारी दुनिया के लिए कलंक हो, मैं मरते दम तक भी तुम्हारा मन चाहना होने दूंगा। की जिंदगी से ही सबक सीखा है, यही माना है, अब तुमको भी यही मानना होगा। तुम सारी दुनिया के लिए कलंक हो, मैं मरते दम तक भी तुम्हारा मन चाहना होने दूंगा। अब आप चलो, कर्मगत तारे ना करे। वल्लभ साहेब।